हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका एडी परिवार के साथ। हमारे सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको हमने देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोग यहाँ पर जो रात की हमारी जो क्लास होती है उसको भी और आपका साथ में 3 बजे जो क्लास होती है स्टैटिक जीके वाली को दोनों को ही साथ में रखते हुए इस क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा उन सभी ग्रुपों में जिन ग्रुपों से आप लोग जुड़े हो, तो सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी को बच्चा होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मॉर्निंग से लगभग मैं आपके बीच में तीसरी बार आ रहा हूँ अभी, ठीक है ना। आप लोगों के लिए बच्चा तीसरी बार मैं आप लोगों के बीच में हूँ, तो सभी विद्यार्थी पहले तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा उन सभी ग्रुपों में जिन ग्रुपों से आप लोग जुड़े हो, उन सभी ग्रुप में बच्चा क्लास को शेयर करते रहेगा, ठीक है ना, चलेगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे व्यस्त हैं आज, बिल्कुल होली के माहौल में व्यस्त हैं, चलेगा। जस्ट वन मिनट। गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। चलेगा बच्चा, ठीक है। तो पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है वो सवाल देखेगा आपका, ठीक है। सवाल क्या दिया गया आपका कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है। अब देखिए, जरूरी नहीं कि हमें ये सवाल पूछ ले, समझो ये जरूरी नहीं आपका ये आ जाए तो अच्छी बात है, डिक्टो सवाल अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया यहां पर, देखेगा इसका तो आंसर क्या बनेगा कि बैठक कौन बुलाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आप लोग कहां पर जाते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 को देखते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 0108 यानी कि आपका 108 में क्या दिया गया, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन की बात की गई। और संयुक्त अधिवेशन में कौन किसके द्वारा बुलाया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। आप कहते हो कौन सी कंडीशन में बुलाया जाएगा, यदि किसी बिल की अगर मैं बात करूंगा, अभी किसान आंदोलन चल रहे, किसान आंदोलन पर अगर दोनों सदनों में क्या आपका मतभेद है, कोई बिल आया और उस पर दोनों में मतभेद है इस कंडीशन में भी, या फिर क्या होता है आपका कि उनके अंदर जो पॉइंट रखे गए आपके, ठीक है, किसी बिंदु पर एक ने तो बिल पास कर दिया और दूसरा उस पर उदासीन बैठा हुआ है, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो इन स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार दिया गया आर्टिकल 108 के अंदर, जहां पर बात की गई आपके किसकी, ज्वाइंट सेशन की। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये भी तो पूछा जा सकता है आपसे कि अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो भारत यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, समझो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही करते हैं इसकी अध्यक्षता, चलिएगा। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी विद्यार्थियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, चलेगा। अगला सवाल देखने को मिलेगा हमें कि यहां पर पूछा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आपका इक्वेटर से लेकर आपका कैप्रिकॉन, ये तीनों लाइनें आपको बताए अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती है। लेकिन ये सवाल मैं आप लोगों को बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से सवाल बनेगा और कल मैंने आपको बताया भी था अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप बच्चे कुछ इस तरह से आपको मैप के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है, अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस तरह से आपको मैप के अकॉर्डिंग बच्चा देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहां से क्या क्या सवाल हमें एग्जामिनर पूछ लेता है, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या कहा कि ये वर्ल्ड में एरिया के अकॉर्डिंग दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। यहां से मैंने आप लोगों को मैप के अकॉर्डिंग भी समझाया था कि इधर कौन सा आपका यूरोप कॉन्टिनेंट आपको दिखेगा, यहां पर कौन सा दिखेगा अपना यूरोप कॉन्टिनेंट यहां दिख जाएगा, ठीक है। इधर कौन सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यह है हमारा कौन सा अफ्रीका, ठीक है, और इधर कौन सा बच्चा हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। ये कल भी बात करी, इतनी आसानी से याद नहीं होता है, देखिएगा जब बार 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 चीजों को पढ़ेंगे। इधर आप लोगों को एक महाद्वीप के बारे में बताया था, सॉरी महाद्वीप नहीं आपका आइलैंड, आइलैंड का मतलब क्या होता है, जो चारों ओर से आपका पानी से घिरा हो वो आइलैंड होगा आपका, है ना। तो मेडागास्कर के बारे में, किसके बारे में, मेडागास्कर के बारे में हमने बात करी थी, तो उसकी लोकेशन यहां पर दिखेगी आपको किसमें, इंडियन ओशियन में। ये भी सवाल बनता है आपका,
ये पूरा का पूरा कौन सा आपका एशिया कॉन्टिनेंट, तो इधर गल्फ ऑफ अदन हो गया, ये कौन सा हो गया हमारा रेड सी हो गया, इसके बीच में आपका कौन सा बच्चा ये मेडिटेरेनियन सी, स्वेज कैनाल, आजकल आप लोग न्यूज में पढ़ रहे होंगे, हर दिन आपको देखने को मिल रहा है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्वेज कैनाल की बात कर रहा हूं, जो एग्जाम में पूछेगा आपसे किसे कनेक्ट करता है, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है आपका, ठीक है। देखिएगा यहां पर जो आपका कौन सा है गिनी, गिनी बच्चा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री आपका गिनी समझो, तो यहां पर क्या होता है आपका जो सहारा डेजर्ट है समझो, सहारा डेजर्ट भी यहीं पर आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट में हल्की फुल्की आपकी बारिशें करता है, तो उसे क्या कहते हैं आपका एक पवन है जो विंड चलती है आपकी, उसके किस नाम से जानते हैं आपका हरमटन, जिसे डॉक्टरी विंड के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टरी हवाओं के नाम से या डॉक्टरी पवनों के नाम से भी जाना जाता है। वो कहां पर आती है आपकी गिनी के तट पर, और जो हम लोग चॉकलेट खाते हैं ना, तो कोको समझो, जो गल्फ, जो आपका गल्फ ऑफ गिनी आपका या गिनी का जो तट है, वहां पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोको उत्पादन के लिए जाना जाता कौन सा गिनी का तट, ये याद रखेगा इस एरिया में। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल पर, सवाल देखे हम लोग, अगला सवाल क्या देखने को मिल रहा है कि नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया है, यहां पर आपसे पूछा जाता है। देखिए इस बार के आपके एग्जाम में पूछा गया था गोल्डन रिवॉल्यूशन, समझो गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो वो किससे था हमारा, वो फाइबर से था, फाइबर यानी कि आपका जूट के रेशे से संबंधित था, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट के रेशे को कहते हैं। उसी तरह से आपसे पूछता है कि भारत में कृषि रिवॉल्यूशन से जुड़ा आपका या कृषि पॉलिसी से, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, तो इनमें से कौन सा आएगा आपका, यानी कि इंद्रधनुष रिवॉल्यूशन, इंद्रधनुष क्रांति हमारा किससे, कृषि से है, ठीक है। आप लोगों से मैंने कल पूछा भी था कि यदि एग्जामिनर ने हमें पूछा कि मिशन इंद्रधनुष संबंधित है आपका, मिशन इंद्रधनुष बच्चा आपका किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, मिशन इंद्रधनुष बच्चा आपका किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है आपका, क्या देखा अभी 2.0 आपका शुरू हो गया, यानी बिल्कुल आपका वैक्सीनेशन से, इससे जुड़ा आपका टीकाकरण से संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष हमारा किससे, टीकाकरण से संबंधित है, ये भी याद रखेगा, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो अभी 2.0 अपने उत्तर प्रदेश में 2020 में शुरू हुआ था, जिसमें 7 वैक्सीन यानी कि जो बच्चे टीकाकरण से रह जाते हैं ना, तो उन्हें टीका, ये भारत सरकार की योजना है आपकी, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, सवाल दिया गया यहां पर कमीशन की बात की गई, अलग अलग कमीशन आपके होते हैं, तो कमीशनों की बात की गई, और एग्जाम में पूछा भी गया था आपका यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन के संबंध में, समझो आपका 1983 में एक कमीशन बनाया गया था, बताया बिल्कुल मैंने सवाल आपको बताया, कॉपी हो गया कई बार, लेकिन देखिएगा सरकारिया कमीशन। अब इसके लिए मैं आप लोगों को क्या चीज बता सकता हूं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, देखिएगा आप लोगों को अपने एंड से, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे बच्चे हम लोग कहां पर जाते हैं, पार्ट 11 पर जाते हैं, समझो कहां पर जाते हैं हम लोग, भाग 11, तो यहां आपने देखा होगा स्टेट और यूनियन के बीच में जो रिलेशन आपके क्या है, पावर डिवीजन, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा दिया गया, ठीक है ना, और ये कहां पर कहा गया आपका आर्टिकल 246 में, आर्टिकल 246 को हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। अब मैं कहता हूं आपको 2021 में जनगणना होनी है, इस जनगणना पर कौन निर्णय लेगा, राज्य सरकार लेगी या केंद्र सरकार लेगी, बस वही चीज जो 7th शेड्यूल के अंदर आपका वो प्रोविजन आपको यहां पर देखने को मिलता है, इसलिए सरकारिया कमीशन को आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, चलेगा। आर्टिकल 246 याद रखना, पूछेगा आपके एग्जाम में, आर्टिकल 246 नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा एक बार, देखिएगा किसके अंदर प्रोविजन क्या आपका, आर्टिकल 246 के बारे में पूछेगा आपसे, जहां शक्तियों के बंटवारे की मैं बात कर रहा हूं बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनेंगे, आप सभी विद्यार्थियों से एक मेरा सवाल है, रेलवे ध्यान दीजिएगा, रेलवे पुलिस, यदि एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे रेलवे पुलिस, ठीक है ना, और आपसे पूछ ले बच्चा आपका दिल्ली पुलिस, ये किसका विषय है, रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूंगा, ये दोनों के दोनों सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे पुलिस केंद्रीय सूची का यानी यूनियन लिस्ट का,
या आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा या समवर्ती सूची, छोड़ दीजिएगा समवर्ती बच्चा आपका। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा आपसे, रेलवे पुलिस और दिल्ली, सॉरी आपका कौन सा, दिल्ली पुलिस, बिल्कुल आपका दिल्ली पुलिस में ये किसके अधीन आते हैं आपके, नहीं बताए होली के अवसर पर ढूंढिएगा, आज कोशिश करिएगा घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो आप, ढूंढिएगा बच्चा आप लोग, ठीक है ना, चलेगा। अच्छा आप लोग बताएंगे मुझे, बिल्कुल बच्चा यहाँ पर हमारे मुकेश बच्चा, बिल्कुल आपकी तरफ से मैं सभी विद्यार्थियों को और आपके सभी परिवारजनों को बच्चे होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी विद्यार्थियों को, और ईएडी परिवार की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को बच्चे दुगनी, मैं यहाँ पर कहूँगा कि हमारे लिए तो डबल एनर्जी की बात है कि पिछले 7-8 दिनों में जो हमारे साथ गुजरा था वो बच्चा पास्ट हो गया ना, हम लोग प्रेजेंट की सोच रहे, ठीक है। और इसी अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों को ईएडी के जितने भी जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है उनमें विशेष छूट दी जा रही है, तो यहाँ पर देखेगा आपको, हम लोग कहते हैं कि हम हमेशा ईएडी परिवार के साथ हैं, परिवार के सदस्य हैं, हमें मदद करनी चाहिए, मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ बच्चा आप लोग करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने आप में मदद शुरू हो जाएगी, है ना। तो चलेगा, इंग्लिश चैनल की बात करेंगे तो इंग्लिश चैनल कल ही बताया था मैंने आपको कि इंग्लिश चैनल किसे अलग कर रहा है, इंग्लिश चैनल बच्चा आपका किसे अलग कर रहा है, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग कर रहा है, तो ये कनेक्ट किसे करता है, जोड़ता किसे, कल बताया था, कल आप लोगों को बताया था इंग्लिश चैनल, जब मैंने आरती शाह का नाम लिया, जब बुला चौधरी का नाम लिया, तो उस समय पर आपको बताया कि इंग्लिश चैनल किन दो को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ये तो अलग कर रहा है ना, अलग का मतलब क्या होगा, लैंडमार्क को अलग करेगा और वाटर बॉडी को आपस में जोड़ेगा, ये अपने आप में एक वाटर बॉडी है, ये अपने आप में क्या नेचुरल होता है, ये समझो आर्टिफिशियल होगी तो केनाल होगी, आर्टिफिशियल अगर हम लोग जोड़ है तो जैसे स्वेज कैनाल, पनामा, इंदिरा गांधी नहर, समझो, लेकिन जो नेचुरल है उसे हम लोग जल रूडम के नाम से, स्ट्रेट के नाम से, समझो आपका जो नेचुरल है वो स्ट्रेट हो गई आपकी, जल रूडम हो गई, या हम लोग क्या कहते हैं जल संधि, ठीक है। चलेगा, आप भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में जानते हो, तो आप भारतीय अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पर, यहां पर आपको समझो सरकार और आपको प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि आपको पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में दोनों तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जो भारत की हमारी जो इकोनॉमी है दोनों सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा, प्राइवेट भी आपको देखने को मिलेगा, और समझो आपका पीएस यानी कि किसके अधीन, भारत सरकार के अधीन, ठीक है। चलेगा, हाँ सुनीता यादव बच्चा, अभी सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, पेड की क्लास है एसएससी, सॉरी आपका यूपी पीसीएल जेई के लिए अभी आपके यही क्लास चल रही है, इसके बाद हमारा जैसे ही अभी 31 के बाद आपको सभी क्लासें मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, यूपी पीसीएल जेई के लिए हमारी क्लास बच्चा जो अभी वहाँ पर, अभी कोई क्लास आपका टेक्निकल का तो नहीं पता मुझे और बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा तो अभी बच्चा थोड़ा राजस्थान का पेपर है हमारा सामने ही, तो राजस्थान की तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा है, अभी यूपी पीसीएल जेई के लिए काफ़ी कुछ हमने पहले भी करा चुके हैं और रिविजन भी आपको साथ साथ में करा ही रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्लास भी आपकी चली रही 1 आवर की। देखेगा अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या दिया गया, सवाल देखिएगा, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे, ये सवाल पूछा जाएगा आपका, लेकिन मैंने आपको बताया ना नवरत्नों में से नहीं थे, समझो, यानी कि अकबर के 9 रत्नों में से नहीं थे, लेकिन उनके क्या थे, दरबारी कवि भी थे यानी समकालीन भी थे, समझो, इनके द्वारा क्या लिखी गई थी आपका रामचरितमानस, आपसे सवाल पूछा गया तुलसीदास जी के द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई थी वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी, ये पूछता है आपको, हिंदी में पढ़ा था आपने, अच्छे से पढ़ा आप लोगों को, कई बार सर ने पढ़ाया होगा, अच्छा रिकॉर्डेड मिल रहा है, चलो ठीक है, चलेगा नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर देखेगा, सवाल नंबर आपके सामने आ गया, सवाल नंबर, ये रिंग डिजीज नाम से जाना जाता है आपका, ठीक है, विच डिजीज बच्चा आपका प्लांट नोन एज द आपका रिंग डिजीज, पौधे में किस रोग को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है, पौधे में किस रोग को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है आपका, ठीक है, तो इनमें से कौन सा आएगा आपका, तो याद रखना है अपर सी, विल्ट ऑफ पोटैटो की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, विल्ट ऑफ पोटैटो की बात करेंगे। देखिए जो प्लांट डिजीज होते हैं आपके यानी कि पादप रोग, यहां से आपके सवाल बिल्कुल बनते हैं, जैसे आपको टीएमबी की बात करूंगा, ये वायरल डिजीज होता है आपका टीएमबी बच्चा आपका, और ये खोजा जाने वाला पहला वायरस भी था, प्लांट वायरस की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसे टीएमबी टेम्बेको मोज़ेक वायरस, ठीक है, तो ये प्लांट डिजीज में आपका आता है, प्लांट डिजीज जो आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे आपका
अग्नि निद्रा करके एक रोग होता है आपका, जो सेब से जब संबंधित आपका, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगला सवाल देखिएगा, सामाजिक विषयों के साथ लोक नृत्य, देखिएगा आपका नाम से बताएगा, जिसकी दो परंपराएं, एक आपका हाथरस और दूसरी कानपुर से जुड़ी हुई है, तो ध्यान दीजिएगा आपका कौन सा आएगा, नौटंकी। नौटंकी अपने उत्तर प्रदेश का क्या है, एक तरह से अपना लोक नृत्य है, समझो नौटंकी उत्तर प्रदेश का हो गया अपना, ठीक है ना। ये जो आपके जैसे बिहू आपका असम में हो गया, समझो बिहू कहाँ का हो गया आपका, असम में हो गया, तो उसी तरह से यदि एग्जामिनर ने पूछ लिया विद्यार्थियों हमें, ना नौटंकी पूछा और ना ही आपसे बिहू पूछा, आपसे पूछ लिया यक्षगान, चलो बताएगा यक्षगान कौन से राज्य का बच्चा आपका एक लोक नृत्य है, यक्षगान भूतकोला ये सब पूछेगा ना आपसे, यक्षगान कौन से राज्य का है। नौटंकी, देखिए नौटंकी देख के हमारे विद्यार्थी हंस रहे, चलो बहुत अच्छी बात है, नौटंकी अक्सर सुना होगा आप लोगों ने, अपने उत्तर प्रदेश का ही है। देखिए यक्षगान के बारे में अगर पूछा जाए आपसे कि यक्षगान कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 777, देखिए कौन सा सेवन, क्वेश्चन नंबर 7 को, धीरू यादव बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया था आपका, चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर रामचरितमानस की बात करी गई थी, रामचरितमानस सही तो बच्चा आपका 7 दिख तो गया आपका, सही तो है। यक्षगान बच्चा आपका कर्नाटका का, ठीक है ना, यक्षगान कर्नाटका का, ठीक है, यक्षगान बच्चा हो सकती है, नौटंकी यूपी की है बच्चा आपका, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं आपका, समझ रहो आकाश पटेल बच्चा, बिल्कुल सब नौटंकी उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। तो देखिएगा आप सभी विद्यार्थियों को, देखिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए होली के शुभ अवसर पर मैं पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये जरूरी भी, आप कहोगे सर आज तो आपने सुबह से कई बार अपडेट कर लिया, लेकिन मैंने आपसे कहा ना ये आवश्यक भी है और जरूरी भी है, क्योंकि देखो पूरा का पूरा मैनेजमेंट चलाने के लिए ये सब चीजें बहुत आवश्यक हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ईएडी टीम की तरफ से आपको विशेष उपहार के तौर पर, ठीक है, आपको नहीं आपके दोस्तों को, क्योंकि आप लोग तो पहले से ज्वाइन हो, तो आपके दोस्तों के लिए विशेष उपहार के तौर पर सभी ऑनलाइन क्लासेस में जितने भी आपके ऑनलाइन कोर्सेज है, जो हमने 2020 और 21 में आपके जो लॉन्च किए थे, समझ जो 2021 में आपके जो लॉन्च किए गए थे मार्च में या मार्च से पहले, तो उन सभी पर आपको लगभग 50% और 60% सभी ब्रांच में आपका, ठीक है, तो छूट दी जा रही है, जो कि आज 28 मार्च को सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो गया आपका और शाम को 5 बजे तक रहेगा। तो कोशिश करेगा कि आपके जो दोस्त हैं जिन्हें आवश्यकता है, जो बेसिक चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें बताएगा, ठीक है ना। तो चलेगा आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, अगला सवाल, नौकरी का आपका बायो रिजर्व है, ये भारत में कहां पर स्थित है। अब नोकरेक की बात करें तो उससे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, और हमारे एक विद्यार्थी लाइव क्लास में भी है अभी, चलेगा हमारे बिल्कुल यहां पर हर घर में नौटंकी होगी, बिल्कुल होली के साथ नौटंकी भी होगी, देखेगा नौटंकी इसलिए होगी कि इस बार आप होली को बच्चे क्या सोशल डिस्टेंस के हिसाब से खेल रहे हो, आप देखिए कलर कैसे लगाना आपको वो आइडिया बच्चा आप लोग देखेगा, क्योंकि मैंने आपसे कह रहा हूं कि भारत सरकार के द्वारा कहा गया आपको होली तो खेलोगे लेकिन किसी को टच नहीं करना, दूर से होली खेलना है, अब कलर लगाएगा आप किस तरह से लगाना, कोई नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर लिया आपने क्या। चलिए हम लोग सवाल क्या कह रहा था मैं आपसे, मेघालय, मेघालय की बात करेंगे, मेघालय हमारा पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य है, ठीक है। हमारे विद्यार्थी कहते हैं सर ये आप जो मैप वैप बनाते ना हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है। विद्यार्थी देखिएगा ये आपका एक, जिसे मैं क्या कहूंगा, मैप का मतलब आपका चित्र होगा, ठीक है ना, इस चित्र को देखिए आप, और इस चित्र में आपको मैं क्या कह रहा हूं कि जो एक मैप बनाया गया उस मैप के अकॉर्डिंग आप देखिए कि इसके आउटर साइड पर कौन कौन से राज्य है, यानी कि ये भारत के कितने अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, मिल रहा है इसकी जो सीमा है, समझो जैसे अपने यूपी 8 राज्यों के साथ मिल रहा है, तो उसी तरह से मेघालय यानी पूर्वोत्तर भारत में अपना मेघालय कितने राज्यों के साथ मिलता है। पहले तो याद रखिएगा इसकी कैपिटल कहां पर आपका शिलांग के अंदर है, यानी कैपिटल कहां पर आपका शिलांग के अंदर, ठीक है। अब इसकी जो सीमा अन्य कितने राज्यों के साथ, मात्र एक राज्य होगा आपका, कौन सा, असम राज्य, यानी पूर्वोत्तर भारत में ये मात्र एक राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो इंटरनेशनल बाउंड्री आपका बांग्लादेश के साथ बनाएगा,
इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ बनाएगा आपका? बांग्लादेश के साथ बनाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखे जो एग्जाम में पूछा जाएगा हमें कि यहां पर कौन सी प्रसिद्ध लेक है यानी कि झील, आपसे साधारण सा सवाल पूछा गया कि यहां पर झील कौन सी है, तो झील आपको क्या याद रखनी है बच्चे आपका, गर्म पानी लेक या उमियन लेक, समझो कौन सा पूछेगा आपका, उमियन झील। ये उमियन झील कहां पर, हमारे पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा आपको कि यहां पर नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपने बताया कि सर एक तो आपका नोक रेक करके आपका क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा हमारा, तो मैंने आपको बताया होगा नोंग खेम करके आता आपका, नोंग खेम बच्चा आपका क्या है, यहां पर नेशनल पार्क भी है। और जो गारो खासी जयंतिया यानी खासी जो जनजाति आपकी, खासी जनजाति के द्वारा नोंग कम करके आपका क्या मनाया जाता है, त्योहार भी मेघालय राज्य के अंदर मनाया जाता है। करंट में यहां से क्या सवाल पूछेगा, करंट में पूछेगा आपसे भारत सरकार के द्वारा जो वाटर पॉलिसी, जल नीति की बात करूंगा मैं, तो जल नीति लागू करने वाला यानी जल संरक्षण के लिए, समझो जो भारत सरकार के द्वारा एक नया मंत्रालय भी बनाया गया था आपका जल शक्ति मंत्रालय, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप जा सकते हो तो जल नीति वाटर पॉलिसी को लागू करने वाला पहला स्टेट भी कौन सा हमारा, मेघालय आपका, ठीक है। देखिएगा हाँ बिल्कुल 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 बच्चा, ईएडीसीयू प्रोग्राम बच्चा बिल्कुल, देखो डेली खुशी रहते हैं, आज बिल्कुल खुश है, एक तो संडे का भी है और दूसरी चीज कि आप लोगों के बीच में है तो अच्छा अच्छा लग रहा है कि आप सभी विद्यार्थियों के बीच में, हम लोग होली का जो ये दिन है बच्चा उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो बिल्कुल खुश रहेंगे ना, चलेगा। यहां पर देखिए आपका जल नीति वाटर पॉलिसी, ठीक है, उसके साथ साथ यहां के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर आपका सत्यपाल मलिक वर्तमान समय पर, जो कहां पर थे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर थे, अब आपका गोवा गए, गोवा से कहां पहुंच गए, मेघालय। सत्यपाल मलिक अभी कहां के, मेघालय के गवर्नर हैं। तो ये करंट का विषय है आपका, ठीक है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट बनेंगे अगले सवाल पर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या था आपका, मेघालय आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट चलेगा तेरा ताली लोक नृत्य कहां का है, तेरा ताली, ताली बजाने के लिए कहां जाएंगे, राजस्थान, चलेगा राजस्थान जाएंगे बच्चे हम लोग, ठीक है ना। चलिए आपका तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा आपका राजस्थान, क्योंकि देखिएगा संडे की क्लास लेने की सबसे बड़ी वजह क्या थी, सामने हमारा यूपी पीसीएल का एग्जाम है और राजस्थान का भी एग्जाम है बच्चा आपका, राजस्थान का जो आपका एग्जाम है ना वो भी 15 अप्रैल को हो जाएगा और यूपी पीसीएल आपका कभी भी हो सकता है, अप्रैल मंथ में कभी भी हो सकता है, तो इस वजह से हमारी छुट्टी करना ज्यादा जरूरी नहीं था इस वजह से। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल पर, बिल्कुल तेरह ताली राजस्थान का था। यहां पर दिया गया आपका सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का जो सिद्धांत दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था, बौद्ध दार्शनिक किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था बच्चा आपका किसके द्वारा, तो ये नागार्जुन के द्वारा किया गया था। आप लोगों ने किताब सुनी होगी अक्सर स्कूल टाइम पर, जब आपके टीचर आप लोगों को पढ़ाते होंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जहां भी पढ़ाया होगा, मिलिंद पनो, मिलिंद पनो की बात करते ना, आपने सुना होगा मिलिंद पनो करके, ये किसकी बुक है,
चलेगा। सौरभ मौर्य बच्चे अभी आवाज आ रही है, अभी आ रही है ना, चले देख लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे आपका जब भी कोई समस्या होती है ना, तब मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रहा होता हूँ, है ना, तब मैं बिल्कुल खो जाता हूँ आपको पढ़ाने में। और बिल्कुल देखिए, आप देख लिया मैंने, फिर से सर फिर से सुनाओ पुरानी कहानी। अब वो पुरानी कहानी कैसे याद आएगी बच्चा, वो तो ऐसे है ना कि सोच के तो मैं आया नहीं था क्या सुनाऊं, और वो बीच में जो कहानी रही होगी वो समाप्त हो गई, ठीक है ना। आप क्या क्या बताया था पीछे, अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बताया होगा मैंने आप लोगों को। मैं कुछ बच्चा बायो से रिलेटेड चीजें आपको बता रहा था, अब आगे देख लेंगे उससे। बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 13 से रिपीट करना है, क्वेश्चन नंबर 13 से। चलो बहुत सारी कहानियां हो गई, अब तो आपका ये सवाल था, अब उस बीच में जो जो चीज मुझे याद आई होगी रैंडमली मैंने आपको बता दिया, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेगा आपका, जैन ग्रंथ यानी कि आपका कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में कभी कभार पूछ लेता है कि इसके अंदर जितने भी जैन गुरु, जो समझो आपके क्या होते हैं, तीर्थकर होते हैं, ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक, यानी 1 से लेकर 24 तक जितने तीर्थकर होते हैं, उन सबकी क्या लिखी गई, जीवनी लिखी गई। और ये किसके द्वारा लिखी, आपका भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। मैंने आपसे यही कह रहा था बच्चा वहां पर, नहीं बच्चा ऐसा मत कहा करो बच्चा, आप लोग देखिएगा, मैंने आपको कहा ना कि आप और हम सभी बच्चे एक सामान्य परिवार से आते हैं, और आप और हमारी बच्चे क्या होती है, हमारी आवश्यकता, हमारी छोटे छोटे बच्चे आवश्यकताएं होती है, वही छोटी सी आवश्यकता कि हमारी एक सरकारी नौकरी लग जाए और हम अपने परिवार की जो छोटी छोटी आवश्यकता है उन्हें पूरी कर ले। देखिए वही चीज आपकी और वही मेरी भी है, बाकी और कोई अलग सा कुछ नहीं है कि हम लोग बहुत बड़े लेवल पर सोचते होंगे, क्योंकि वहां तक सोचने के लिए बिल्कुल मौका चाहिए, पहले बेस तो बन जाए, बस उसी बेस को आप भी सेटअप करो, आप भी सेटअप कर रहे, देखिए ठीक है ना, चलेगा। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने एडॉप्ट किया, ठीक है ना। तो जुडिशियल रिव्यू की अगर बात करेंगे तो ये हमने कहां से लिया आपका, यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू को हमने कहां से लिया बच्चा आपका, अमेरिका से एडॉप्ट किया। इसके साथ साथ हमारा फंडामेंटल राइट, जहां से आपके बतेरे सवाल पूछे गए इस बार, एसएससी जेई ने भी पूछा, तो आपका यूपीपीएससी टीजीटू में ने भी पूछा, समझो टीजीटू में। तो आपका आर्टिकल अभी है यहाँ पर बच्चा, हमारे लाइव क्लास में अभी एक विद्यार्थी है, तो उनके पास आपका आर्टिकल 16 आया था, और आर्टिकल 279A आया था आपका, और 239AA आया था। ये विद्यार्थी अभी लेटेस्ट में जो एग्जाम में पूछा गया था, आना ही था, इस पर विवाद चल रहा आपका। अच्छा आर्टिकल 239A को पढ़िएगा विद्यार्थियों, डबल ए को पढ़िएगा, आर्टिकल 239AA को पढ़िएगा आपका, इसमें क्या दिया गया, किसी को याद है, कोई बता सकता है मुझे, हमारे विद्यार्थी यहां पर देखे जो, अगर थोड़ा सा भी अगर अपडेट होंगे, नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा आप लोगों को। आपको बताए ना, अपने दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर एलजी के पास जहां पर अधिकारों की बात की जा रही है और आम आदमी पार्टी उसका विरोध कर रही है, तो एक बार आप लोग आर्टिकल 239AA को पढ़िएगा, सारी कहानी समझ में आ जाएगी, समझो जो अभी आपका चल रहा है विवाद चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा आपके उसमें 21 वाला आया था, 21 वाला आया था, चलेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, यानी हट्टी बच्चा गोल्ड माइन, हट्टी गोल्ड माइन, या उसके साथ साथ आपका कौन सा है, कोलार, कोलार बच्चा सोने की खान है, तो ये भारत के कौन से राज्य में, हट्टी की खान और कोलार जो सोने की खान है, तो ये भारत के कौन से राज्य में, तो ये कर्नाटका के अंदर स्थित आपका, ठीक है ना, कहां पर स्थित आपका, कर्नाटका के अंदर स्थित है, चले ठीक है। नहीं बच्चा आपका 21 वाला क्या आया था, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 आया था क्या आपके पास, आर्टिकल 21 में आपका राइट टू प्राइवेसी, समझो राइट टू प्राइवेसी भी दी गई, और जो आपातकालीन सेवाएं होती है वो भी इसी में होता है आपका, यानी आपसे पूछ दिया जाता है कि इमरजेंसी के समय पर कौन से दो जो आपके फंडामेंटल राइट है उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है, या दो जो राष्ट्रपति के द्वारा अधिकार है कि उन्हें कम तो किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं कर सकते, किस दौरान, इमरजेंसी के दौरान, वो कौन सा आपका, अनुच्छेद 20 और 21, हो सकता है ये पूछा गया आपके पास, चलेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, ये सवाल तो हमने पढ़ा भी था और आपके एग्जाम में आ भी गया था कि केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है आपका, तो आर्टिकल 112 जिसे हम लोग पढ़ भी रहे थे, व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर विच इज यूनियन बजट ऑफ द आपका, ठीक है ना, तो याद रखेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आर्टिकल 112 के अंदर ये व्यवस्था दी गई है। आया समझ में, आया सभी विद्यार्थियों को,
बिल्कुल आयरन ओर के। आदित्य सिंह बच्चा हमारे कहते हैं कि सर आयरन ओर के तो भी कर्नाटक में है, आयरन ओर के लिए आपका कुंद्रे मुखु, समझो कुंद्रे मुख कर गया था आपका, कुंद्रे मुख जो आपका आयरन ओर के लिए जानी जाती कहां पर, ये हमारे कर्नाटका के अंदर। ठीक है, अब जैसे आपका खेतरी खान किसके लिए, राजस्थान में कॉपर के लिए, समझो अपने मध्य प्रदेश में पन्ना डायमंड के लिए, आपका तेलचर उड़ीसा के अंदर कोल माइंस है आपका, ये सारी चीजें आपका समझो चलेगा, अलग अलग माइंस आपके। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले सवाल पर, यदि आपको गोल्डन हैंडशेक स्कीम के बारे में पता हो तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि सर ये VRS से जुड़ा हुआ है। VRS का मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री बच्चा आपका रिटायरमेंट सर्विस, ठीक है ना। ये क्या होता है, आपकी जो सर्विस की एज क्या रखी गई, 60 वर्ष रखी गई, लेकिन आप समय से पहले रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम यानी कि आपकी क्या होगी, वॉलेंट्री रिटायरमेंट यानी आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की बात की जाती है इसमें। हमारे विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट्स करेंगे, सर पहले नौकरी लग तो जाए, VRS तो लेने की तो कहां सोचेंगे। ये सरकार के द्वारा जो शुरू की गई थी, आपका डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, द वर्ड डबल फॉल्ट बच्चा आपका रिलेटेड टू विच गेम, तो डबल फॉल्ट हमारा किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हमारा किससे, यहां पर समझो आपका टेनिस से, डबल फॉल्ट आपका टेनिस से जुड़ा हुआ खेल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, सवाल क्या पूछा गया, द विक्ट्री ऑफ द कलिंग वॉर यानी कलिंग का युद्ध जिसके बाद अशोक में अशोक महान ने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना दिया था, ठीक है ना। तो याद रखेगा कलिंग युद्ध का वर्णन जो दिया गया आपका, ये कौन से 13वें शिलालेख में दिया गया, अशोक के 13वें शिलालेख के अंदर ये बताया गया आपका। और याद रखना अशोक के नामों का वर्णन कहां पर मिलता है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है, यानी अशोक के नाम का वर्णन कहां पर, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। उसके साथ साथ अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखे गए थे उसमें कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कौन सी थी आपकी, ब्राह्म्य लिपि, ठीक है ना, ब्राह्म्य लिपि का प्रयोग हुआ है। और उसके साथ साथ आपसे पूछता है कि इनके अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। तो यही चीजें तो आपको नोट करनी है जो मैं की फैक्ट के तौर पर कह रहा हूं आपको, कि सबसे पहले किसने पढ़ा, जल्दी तो नहीं हो रहा, ज्यादा लिखते रहेगा, देखो लिखना तो पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना, जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिएगा 22 अप्रैल को हम लोग प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाएंगे, 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष हम लोग किस रूप में, अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, जबकि आपने 22 मार्च को आपका वर्ल्ड बच्चा आपका यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया, वाटर डे के रूप में, समझो आपने क्या मनाया, वाटर डे के रूप में मनाया था, कब, 22 मार्च को, ठीक है। इनमें से कौन सा व्यक्ति था जिनने सैयद शासक था, ठीक है, इनमें से बचा कौन सा दिल्ली पर सैयद शासक था, तो जिसने बचा सैयद वंश की स्थापना करी थी, खिज्र खान, बिल्कुल आपका दिल्ली में सैयद वंश की आपका जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा, खिज्र खान के द्वारा। सबसे पहले गुलाम वंश आता है, दिल्ली सल्तनत को हम लोग जो पढ़ते हैं वहां पर गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, समझो सबसे पहले तो वहां पर नाम आता है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा या उसे क्या कहा जाता था आपका, गिवर ऑफ लैक्स के नाम से, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जानते थे बच्चे आपका, गिवर ऑफ लैक्स के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। चलेगा फिर से बच्चा आपको अपडेट करना चाहूंगा, यदि अभी तक बहुत सारे विद्यार्थी काफी बाद में जुड़ते हैं क्लास में, तो यदि आपने अपने दोस्तों को अपडेट नहीं किया हुआ है तो कर दीजिएगा अपडेट, क्योंकि देखिए अभी 3:35 हो रहा है, जहां पर मैं समय देख पा रहा हूं, अगले 150 आवर्स, समझो वन कितना बच्चा आपका, 130 के आसपास अभी मिनट बाकी है, तो जो भी कोर्सेज है जिन बच्चों को भी आवश्यकता है, क्योंकि उसके बाद वो सारे कोर्सेज आपके अनपब्लिश हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी विद्यार्थी उसमें एनरोल होंगे उसके बाद अनपब्लिश हो जाएंगे, ठीक। और सभी विद्यार्थी बच्चे शेयर जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैंने ग्रुपों में बच्चे स्लाइड भी शेयर करी हुई है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्हें भी आवश्यकता हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे सिविल में हो, ठीक है ना, तो जरूर शेयर करेंगे आप लोग, चलेगा। और होली को बच्चे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाने वाले हो, है ना,
भारत सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? ठीक है ना, देखिए पागल बादशाह बच्चा आपका मोहम्मद बिन तुगलक को कहते थे, समझो विद्यार्थी हमारा MBT, हमारे विद्यार्थी ने पूछा है कि पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था, तो पागल बादशाह के नाम से MBT को जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पर लक्की बच्चे कहते हैं कि सर मैं GK को कैसे स्ट्रॉन्ग करूं। लक्की विद्यार्थी आप तो हमारे रेगुलर स्टूडेंट भी है, लगभग काफी टाइम से मैं आपको देख रहा हूँ, 1-1.5 महीना तो हो ही गया होगा विद्यार्थी हमारा। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिएगा, एक बार आप लोग बेसिक चीज को पढ़ने के लिए कोई सा भी एक बुक को फॉलो करिएगा, समझो एक बुक को जरूर फॉलो करिएगा, और बुक को फॉलो करोगे आप, यानी कोई सी बुक ले लो, बुक का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि आप तो किसी भी चीज को बोलने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कोई सा भी बुक को फॉलो करिएगा, मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशन की बुकें हैं, उन्हें अगर आप लोग फॉलो करोगे तो मैं यही कहूंगा, चाहे आप कोशिश करिएगा सब्जेक्ट को, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे आपने उसमें 10 टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान को पढ़ा, तो संविधान में देखेगा उसे टोटल रेंडमली चीजों को नहीं पढ़ना है, उसे क्या करना है बच्चा आपका नंबर वाइज पढ़ेगा। जैसे पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, भारतीय संविधान का इतिहास क्या रहा होगा, उसे पूरा का पूरा छान मारिएगा जितना आपको मिलता है। ठीक है ना, जहां से भारत का संविधान बनने का एक बेस बना। दूसरा दूसरा क्या रहेगा बच्चा आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, बस इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेगा, पार्ट आर्टिकल पंचायती राज, उसके बाद आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इस तरह से आप लोग, क्योंकि जब तक हम लोग चीजों को सिक्वेंस से नहीं पढ़ते याद नहीं रहता है, और मैंने भी बच्चे अपने जीवन में एक बार तो चीजों को पढ़ा हुआ है, उसी आधार पर आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब भी पढ़ा था बिल्कुल तसल्ली से ध्यान से नोट्स बनाए, एक बार समझ में नहीं आया दूसरी बार लिखा, समझो, लेकिन पढ़ा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है ना, तो जब तक आप लोग इन चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ते हो, हमारे टेक्निकल वाले विद्यार्थियों का बहाना होता है कि सर हमारे पास समय का अभाव है, इतनी चीजें कहां पढ़ रहे हो, फिर तो देखिए ऑब्जेक्टिव देखेगा और अपना करंट अफेयर की जो क्लास चलती है आपकी उसे देखेगा। लगभग लगभग मैंने कहा ना आपको कि जो 50 नंबर का पेपर होगा, 30 से लगभग बच्चा हमारा 30 से लेकर 35 नंबर तो हम ले आएंगे। ठीक है, चलेगा। तो यहां पर योजना कौन सी थी आपकी, प्रधानमंत्री स्वय निधि योजना, प्रधानमंत्री बच्चा आपका स्वय निधि योजना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलेंगे अगले सवाल पर। संविधान के किस प्रावधान दिया गया कि भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिए जाएंगे, पद्म विभूषण दिया जाएगा, ये पुरस्कार दिए जाएंगे आर्टिकल 18 के तहत। आप लोगों को बताया ना कि देखिएगा फंडामेंटल राइट आपका ये 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकलों में बांटा गया, और राइट टू इक्वालिटी, राइट टू बच्चा आपका इक्वालिटी की मैं बात करूंगा तो 14 से लेकर 18, और 14 से लेकर 18 के बीच में भी अलग अलग तरीके से बांटा गया। जैसे आपका आर्टिकल 14 को क्या कहेंगे, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता यानी कि इक्वालिटी होगी, लॉ के सामने समझो सबक जो आपका कह रहेगी इक्वालिटी की बात की गई। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूंगा आपका 17 की, आर्टिकल 17 में क्या दिया गया, तो जो छुआछूत पर बच्चा प्रतिबंध की बात की गई, यानी बच्चा आपका अनटचेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग ना, तो कहां पर 17 के अंदर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे, अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 27 दिया गया, लेकिन ये सवाल आपका थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था, ये क्या आपका ज़ेरोप्थैल्मिया, लेकिन वहां क्या पूछा गया था कि कलर ब्लाइंडनेस या ऐसा कुछ पूछा गया था आपका कि जो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग पूछा गया था, तो विटामिन ए की कमी से मॉर्निंग में बताया था ज़ेरोप्थैल्मिया। ज़ेरोप्थैल्मिया क्या होता है कि जो बच्चा ड्राइनेस की बात है, ठीक है ना, जो हम लोग अश्रुक बच्चा जो ग्रंथियां होती है उनमें क्या, यानी कि यो क्या हो जाती है बच्चा आपका ड्राइनेस आ जाती है उनमें, ठीक है, यानी समझो आपका, और ये किससे जुड़ा, ज़ेरोप्थैल्मिया किससे, ये आई से जुड़ा हुआ, आंखों से जुड़ा हुआ रोग है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका क्या है, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस की बात करेंगे, रतौंधी, समझो जो रतौंधी जैसे जो रोग होता है, ठीक है ना, चलेगा। नेक्स्ट चलेंगे अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या दिया गया आपका, सवाल नंबर, किस राज्य सरकार ने पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है,
ठीक है ना, पशु किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया, तो ये अपने हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। हरियाणा से सवाल, मैंने बताया था ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2018-19 के तहत सबसे कम वन क्षेत्र भी कहां पर है, अपने हरियाणा स्टेट के अंदर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आपका सेक्स रेशियो भी कहां का है, हरियाणा स्टेट का है। लिंगानुपात सबसे कम किसका है, हरियाणा का ही आपका, ठीक है। उसके साथ साथ यदि आपको बताया जाए कि यहां पर जो आपका नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी, देखिएगा आपका पूछा जाता है भारत के अंदर जो पक्षी अभयारण्य कौन कौन सा है, जैसे आपका ओखला दिल्ली के अंदर, सुल्तानपुर हरियाणा के अंदर, केवला देव घाना बर्ड सेंचुरी कहां पर अपना राजस्थान के अंदर है, ठीक है। ये सवाल पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट बनेंगे, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पद संभाला है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो बने आपके, तो वो कौन बने आपका, मनु साहनी, समझो आपका मनु साहनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। देखिएगा चीफ एग्जीक्यूटिव तो हो गया आपके मनु साहनी, अब चेयरमैन की बात करेंगे, यानी आपका जो चेयरमैन होगा वो कौन है, वर्तमान समय पर चेयरमैन के तौर पर अगर आपसे पूछा जाता है कौन है, तो आपके पास क्या सवाल, इसका आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, बिल्कुल बच्चा आपका ग्रेग वारकेल। ग्रेग वारकेल अभी आईसीसी के चेयरमैन है, इमरान ख्वाजा अस्थाई थे, उससे पहले शशांक मनोहर थे, तो वो भी आपके क्या हो गए, रिटायर हो गए, ठीक है ना। चलेगा, भारत में किस राज्य में 2011 के अनुसार जन्म दर सबसे कम है, तो ये हमारे याद रखेगा केरल राज्य के अंदर। विच स्टेट है बच्चा आपका लोवेस्ट बर्थ रेट इन इंडिया, तो सबसे कम किस में आपका, तो केरल राज्य के अंदर आपका, ठीक है। चलेगा अगला सवाल, सवाल नंबर देखिएगा आपका 31, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, समझो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो कौन से व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं आपका, मनमोहन सिंह जी की बात कर रहा हूं मैं, समझो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है ना। हाँ गोकुल बच्चा कहता है कि सेकंड शिफ्ट में आया था ये सवाल, बिल्कुल आपका ग्रेग वार्किल, मैंने बताया होगा आपको करंट अफेयर में तो बताया होगा वैसे। चलेगा नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई भी संबंध नहीं होता है। मैंने कहा कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है गन्ने का, लेकिन हमारे दूसरे से पूरा का पूरा लिंक समाप्त है वर्ल्ड इकोनॉमी से, तो क्या करेंगे, इंडिया में तो डिमांड कम है तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर उसकी डिमांड दूसरे कंट्री में अधिक है और आपकी इकोनॉमी बच गया है, यानी आप ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है, तो याद रखेगा इसे क्या कहेंगे आपका, ये जो मैं कंडीशन कह रहा हूं इसे क्लोज कहेंगे आपका, कौन सा, यानी कि विश्व की अदर इकोनॉमी से आपका कोई भी संबंध नहीं है, तो ये क्या रहेगा, इसे कहते हैं आपका क्लोज, यानी कि आपका बंद अर्थव्यवस्था। जैस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, ईरान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ईरान इसका सबसे बड़ा बच्चा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन ब्राजील, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन ब्राजील। नेक्स्ट बढ़ेंगे, और कपास में भी आपका ब्राजील है सबसे ज्यादा बच्चा आपका, जो कॉफी, सॉरी कपास आपका नहीं, कॉटन आएगा, वो आएगा आपका कॉफी उत्पादन में, कॉफी उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन है आपका, ब्राजील आपका, ठीक है। टेनिस प्लेयर बच्चा राफेल नडाल आपके कहां से, तो स्पेन से आपके, और नोवाक जोकोविच कहां के आज से, सर्बिया से, नोवाक जोकोविच कहां पर, सर्बिया को रिप्रेजेंट करते हैं आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, सवाल नंबर देखिएगा आपका अगला सवाल क्या देखने को मिल रहा है आपको, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस आपके जो पिछली क्लासों में आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा था उन्हीं से जुड़े हुए आपका। देखिएगा पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है कि भारत के वर्तमान समय पर प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान समय पर भारत ने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो ये नए प्रधानमंत्री के रूप में आपके किसे चुना गया, योशीदा बच्चा आपका सुगा, समझो योशीदा सुगा वर्तमान समय पर जापान के नए प्रधानमंत्री है, लेकिन यहां से आपसे पूछेगा क्योंकि 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन भी होना है, तो ओलंपिक से भी पूछेगा आपसे, ठीक है। मॉर्निंग में आपसे पूछा था
कॉमनवेल्थ यूथ गेम जो 2023 के लिए क्या कर दिया गया आपका, यानी 2021 में होना था तो कॉमन सॉरी इसके वजह से ओलंपिक की वजह से उसे क्या कर दिया गया आपका, पोस्टपोन कर दिया आपका। अब 2023 में होगा तो कहां पर होगा, 2023 में जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम का आयोजन होगा आपका तो इनका आयोजन कहां पर होगा, ठीक है ना। तो ये कहां पर होगा 2023 में आपका, तो 2023 में आपका त्रिनाद टोबैगो करके आपका कैरिबियन कंट्री आपका, ठीक है चलेगा। अच्छा अब यहाँ पर हमारे आकाश कुमार पटेल विद्यार्थी कहते हैं शुगा तो हमारे गांव में एक बर्ड को कहते हैं, बहुत बढ़िया। वो जापान से आया होगा विद्यार्थी, है ना आकाश बच्चा, वो अपने जापान से आया होगा, देखेगा। अब याद रखना है, देखो अपने पास जो शुगा करके है ना, जो अपने गांव में जो बर्ड, तो याद रखना है कहना जापान से आ रखा है, आगे से उसका नाम बदल देंगे, है ना, कि ये शुगा, इसका पूरा रिस्पेक्ट करना है, पूरा समझो सम्मान करना है, क्योंकि ये जापान से आ रखा है, चलेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिएगा जापान की बात करेंगे हम लोग, तो जापान यानी कि आपका टोक्यो, यहाँ की कैपिटल क्या आपकी टोक्यो हो गई, करेंसी क्या हो गई आपकी येन हो गई, और पार्लियामेंट क्या आपका डायट बचा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट बनेंगे आपका नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर आपका दिया गया सितंबर 2020 में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण की आधारशिला रखी गई थी, तो ये भारत के कौन से जगह पर रखी गई थी, चलेगा ठीक है ना। नेक्स्ट बनेंगे आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, कहां पर हमारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट बनेंगे बाकी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको बताएं कि जम्मू एंड कश्मीर बचा हमारा जो कि आपका कितने देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो मात्र एक आएगा आपका पाकिस्तान के साथ, समझो मात्र आपका पाकिस्तान, देखे चीन के साथ अपना जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना हमारा अब सीमा साझा नहीं करता, किसके साथ, चाइना के साथ, ठीक है। और मनोज सिन्हा यहाँ के गवर्नर हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, और यहाँ पर देखिएगा जम्मू एंड कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान समय पर, पंकज मित्तल मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे अगले सवाल पर, अगला सवाल दिया गया आपका कि मानक परिषद, विज्ञापन मानक परिषद एएससीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो ये चुना गया आपका किसे, सुभाष कुमार बच्चा, सुभाष बच्चा कामंत को चुना गया, सुभाष कामंत को चुना गया आपका, ठीक है। अच्छे सवाल है बच्चा आपका, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक क्वेश्चन आपके काफी महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। जस्ट वन बच्चा आपका, तो विद्यार्थी बच्चे आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप सभी विद्यार्थियों को बच्चा होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को, ठीक है ना। जल्दी से चार्ज, अच्छा चार्ज खत्म होने वाले पंकज विद्यार्थी, ठीक है ना, चलो चार्ज खत्म होने वाला है, नहीं आज का मैं क्लास यही समाप्त करने वाला था आप लोगों के लिए, क्योंकि लास्ट आवर बचा है ना इसके बाद, क्योंकि 4 बज जाएगी तो 4 के बाद लास्ट आवर बचा हुआ है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे चलेगा। तो होली में आप लोगों ने क्या क्या बनाया, क्या क्या पका रहे, आप लोग सभी लोग घर पे है, सभी विद्यार्थी घर पे है ना अभी, नहीं ऐसा भी तो होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो बाहर, क्योंकि अभी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए गांव से तो बाहर ही होते हैं हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, समझ जो जो रेंट वगैरह पर रहते हैं बाहर पे कोचिंग के लिए, तो आप सभी लोग घरों में है ना, अपने फैमिली के साथ हो ना आज, बिल्कुल सभी लोग फैमिली के साथ हैं, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को जो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को, ईएडी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट का आवर है तो आप सभी विद्यार्थी उन सभी ग्रुपों में ये मैसेज को बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ईएडी परिवार की तरफ से हमारे सभी उन विद्यार्थियों को जिन्हें आवश्यकता है, समझो जो ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं और टेक्निकल क्षेत्र में हर एक क्लास, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल हो, चाहे अपना
पास सिविल ब्रांच हो, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या उसमें टेक्निकल क्षेत्र में नॉन टेक्निकल का पोर्शन हो, तो वो सभी के सभी जितने भी कोर्सेज आपके, तो उन पर आपको काफ़ी ज़्यादा छूट भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कितना, 50 से लेकर 60%। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा इस सभी लोग घर चले गए, बिल्कुल आदित्य बच्चा एग्जाम है इसलिए घर चले गए थे हमारे विद्यार्थी, चलेगा। अच्छा खुशी राय बच्चा, लॉकडाउन हो गया अपना कौन सा स्टेट से देखेगा? लॉकडाउन तो काफी जगहों पर हो गया, अपना महाराष्ट्र में है, अपने राजस्थान में कई जगह पर हो गया, मध्य प्रदेश में भी कुछ नाइट में है, ठीक है ना, और देखिये बहुत सारे राज्यों में आपका। तो आप लोग जल्द बिल्कुल बच्चा, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल फॉलो करेंगे। यहाँ पर रमन राजपूत विद्यार्थी कहते हैं, बिल्कुल देखिए अपना भी ऐसा ही कुछ विचार है। रमन राजपूत विद्यार्थी कहते हैं कि मैं सोली में पूरी के पूरी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत जरूरी है, उसकी आवश्यकता भी बिल्कुल जरूरी है। हाँ होली वाला एक गाना गा दो विद्यार्थी, देखेगा होली वाला गाना गा दो, लेकिन गाना वगैरह तो नहीं गा सकता हूँ, मुझे बिल्कुल अब याद भी नहीं आ रहा। लगभग मुझे भी जो गाँव में, क्योंकि गाँव में तो सभी लोग होली खेलते थे लास्ट टाइम पे, 2009-10 में लास्ट टाइम गांव में खेली होगी, तब तो छोटे ही रहे होंगे, अब बड़े हो गए बच्चे, अब तो नहीं कोई गाना वगैरह तो नहीं आता है, चलेगा चलेगा विद्यार्थियों। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग यदि परिवार के सदस्य होते हुए आप सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों के साथ इस मैसेज को जरूर शेयर करेंगे और लास्ट मोमेंट पर अधिक से अधिक बच्चों को यदि परिवार के साथ जोड़ेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ पर बच्चे अभी शामिल करेंगे आप लोग, ठीक है ना। और ये तो मैं आपसे हक से कह सकता हूँ कि हमारे सभी विद्यार्थी शेयर करिएगा क्लास को, ठीक है। लास्ट बच्चा आपका, यानी कि उसके बाद होली खेल लीजिएगा, फिर जो भी पार्टी करनी है आपको, सोना है बिल्कुल आराम से सो जाएगा उसके बाद, लेकिन ये लास्ट आपका 1 आवर आपको यदि परिवार को देना है, ठीक है ना। तो जरूर शेयर करिएगा सभी विद्यार्थी बच्चा, एडी के परिवार के द्वारा जो आपके लिए विशेष उपहार दिया गया उसका फायदा उठाइएगा। धन्यवाद।